दुर्गान मोहतरम, कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ बातें आज की मजलिस में आपके गोश गुजार करनी हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल आया था व्हाट्सएप के तवस्सुत से अभी कुछ घंटे पहले, तो मैंने उनसे कहा कि भाई तालीम में मैं उस ताल्लुक से कुछ बातें बयान कर दूंगा, तो उसी में सुन ले, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए भी फ़ायदे से खाली नहीं होगा। अब्दुल हफीज़ जालंधरी एक शायर गुजरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का तराना भी लिखा है। उनकी एक किताब है, उसका नाम है शाहनामे इस्लाम। तो उसमें उन्होंने हज़रत अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के बाज़ वाक़ियात और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को मंजूम बयान किया है। तो उसका कुछ हिस्सा मैं आपके सामने पहले पढ़ता हूँ, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। वो लिखते हैं, बशारत ख्वाब में पाई के उठ हिम्मत का सामा कर, बशारत ख्वाब में पाई के उठ हिम्मत का सामा कर, पए खुशनुदी मौला इसी बेटे को कुर्बान कर। खलीलुल्लाह उठे ख्वाब से दिल को यकीन आया, खलीलुल्लाह उठे ख्वाब से दिल को यकीन आया कि आखिर इम्तिहान बंदे का मालिक ने है फरमाया। खलीलुल्लाह समझते हो कौन मुराद है? हाँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुराद है। तो उनके ख्वाब का तस्किरा कुरान करीम में भी है, सूरह साफ़ात में, तो उसी को मंजूम उन्होंने बयान किया है। और ये जो खलीलुल्लाह लक़ब है, ये अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद दिया है और इसका तस्किरा कुरान करीम में भी है। कुरान करीम में है कि वत्तबिअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, वत्तबिअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, वत्तखद अल्लाह इब्राहीम खलीला, واتخذ الله ابراهيم خليلا। तो खलील का माना होता है दोस्त। खलील का माना क्या होता है? दोस्त। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये लक़ब दिया है। तो लिखते हैं कि खलीलुल्लाह उठे ख्वाब से दिल को यकीन आया कि आखिर इम्तिहान बंदे का मालिक ने है फरमाया। अब ख्वाब देखा, और ये याद रखिए कि मेरा और आपका ख्वाब, और चाहे कितना ही बड़ा बुज़ुर्ग क्यों ना हो, उसका ख्वाब शरीयत में हुज्जत नहीं है। हुज्जत जानते हो ना, हुज्जत यानी दलील नहीं है कि उस पर उसको अमल करना ज़रूरी हो। याद रखना, कई उलमा ने मिलकर एक किताब लिखी है, बादशाह आलमगीर औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमा के ज़माने में, वो फतावा हिंदिया के नाम से भी मशहूर है और मार्केट में फतावा आलमगीरी के नाम से भी मिलती है। तो उसमें उन्होंने अहम काम क्या किया कि जो मसाइल होते थे तो एक पूरी की पूरी जमात होती थी। जैसे कोई कायदा कोई कानून बनाना हो तो पार्लियामेंटियर क्या है, पार्लियामेंट में जमा होते हैं, उस पर डिस्कस होती है और फिर वो कानून मंजूर होता है। तो यही तरीक़े कार औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह के ज़माने में था कि जईदुल इस्तेदाद उलमा मौजूद होते थे। और यही हाल हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के दौर में भी था। याद रखना, फ़िक्हे हनफ़ी
कि जिस पर मैं और आप अमल करते हैं, चार जो फकी हैं अइमे अरबा और भी बहुत से हुए हैं लेकिन दूसरे मसालिक नहीं चले, इन चारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे आलम में मकबूलियत अता फरमाई, उसमें सिर्फ फ़िक्ह हनफ़ी उसको ये एजाज़ हासिल है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के दौर में भी बड़े बड़े उलमा बैठते थे और मसाइल पर क्या होती थी, गुफ्तगू होती थी, गौर व फ़िक्र होता था, बहस होती थी, उसको डिस्कस किया जाता था। और फिर जब सारे लोग या ये कि अक्सरियत किसी बात पर मुत्तफिक हो जाते तो फिर उसको लिख लिया जाता। इसीलिए आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चार फुकहा है अइमे अरबा, उनमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले और फॉलोवर किन के हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा, है ना हनीफ भाई, हाँ उनके फॉलोवर हैं। क्यों कि इसको बाकायदा गौर व फिक्र के बाद, बहसो मुबाहसे के बाद, उस पर डिस्कस करने के बाद फिर उसको लिखा गया है, उसको मुरत्तब किया गया है, उसको मुदव्विन किया गया है। तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी ऐसा ही था। और एक बात आप याद रखिए, बड़े लोग बड़े होते हैं जाकिर भाई, मैं और आप चाहे लोग हमें बड़ा समझते हो लेकिन हमारा दिल बहुत तंग है, हम तंग दिल लोग हैं, हमारे दिल में वसत नहीं है, हमारे दिल में अपनों के लिए वसत नहीं है तो परायों के लिए तो क्या हो सकता। हर आदमी अपने दिल को टटोले, मैं अपने दिल को टटोलूँ, आप अपने दिल को टटोले, मैं और आप इंतकाम से भरे हुए लोग हैं। मैं कहाँ करता हूँ कि हम लोग अपनी ज़ात में एटम बम है, खाली ज़रा चिंगारी लगनी चाहिए फारूक भाई के क्या हो जाते, फट जाते, एटम बम है, हम जिंदा एटम बम है कि वो फट जाते हैं, इंतकाम भरा हुआ है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, अल्लाह पहले मेरी हिफाजत में, हम सब इंतकाम से भरे हुए, ज़रा सा किसी से कुछ हो गया उसके जनाजे में भी शरीक नहीं होंगे, उसकी गमी खुशी में शरीक नहीं होंगे, सके भाई के साथ बोलचाल बंद हो जाएगी ज़रा सी बात में। और देखिए आदमी साथ रहता है तो होता ही है, बड़े बड़े लोगों में होता है, जन्नतियों के नौजवान, जन्नतियों के सरदार नूरानी भाई, कौन, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला, हाँ हजरत हसनैन, उनके दरमियान भी झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ बाकायदा। और एक दिन, दो दिन, तीन दिन, सगे भाई है, नवासे रसूल है, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के यूसुफ भाई लखते जिगर नूरे नजर है, लेकिन दोनों भाई नहीं बोले। 24 घंटे गुजरे, 48 घंटे गुजर गए और तीसरा दिन ख़त्म होने को आया, हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या है कि पहुंच गए, किसके दर पर, हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर पर, और कहा कि भाई तीन दिन तक तो गुस्सा आ जाए तो बातचीत बंद करने की इजाज़त है, 72 आवर्स। तो એવું સમજવાનું કે આપણને ભાર મળલો છે, કેટલાનો હસ્પતાલમાં મિલતા હે ને, હે કે ક્રિટિકલ ટાઈમ હે, અબ તો વો મિલા હુઆ હે, ઇન્સાન હે, હો જાતા હે, બાઝ મર્તબા ફોરન દિલ બાત કરને કો માફ કરને કો તૈયાર નહીં હોતા, ઇસલિયે ક્યા દિયા સ્પેસ થી, ઓર યહાં તો એસા બહોત હે, હમ સબ બરસો સે યહાં પર હે, હશીમ ભાઈ તો જાનતે હે, બાપ બેટે મેં કુછ હો ગયા, હસબન્ડ વાઇફ મેં કુછ હો ગયા, કહેતે હે મને સ્પેસ જોઈએ, જા તો ભાઈ क्या चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे वक्त चाहिए, अब मैं तन्हा रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा, तो वो घर छोड़ के चला जाता। तो इस्लाम ने भी कहा चलो कोई बात नहीं, तीन दिन तक क्या है इजाज़त दे दी। हाँ, दीन की बुनियाद पर झगड़ा हो तो मरते दम तक भी न बोलने की इस्माइल भाई इजाज़त है, लेकिन दुनियावी बुनियाद पर हो तो
72 आवर्स तक है, 72 आवर्स तक, फिर जो है वो आपस में सुलह हो जानी चाहिए। बहरहाल चले उस किस्से में मैं नहीं जाता, तो बड़े बड़े लोगों में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन जो पहले बड़े थे वो वाकई में बड़े थे। पहले ये होता था काम किसी और का और नाम किसी और का, ये होता था पहले, और आज काम किसी और का और नाम किसी और का, आज हर एक को नाम चाहिए। नहीं मैं तो क्या करूं कि आज नो दौर केवो छे, है सिद्दीक भाई, नाम नो दौर छे, नाम में लड़ाई छे। ठीक है भाई, आ लेटर छपायू तो इमारा तौन ना नाम आया तो एला पांच हो कमिटी में, ठीक है मारू केम नहीं आई, ठीक है भाई मारू नाम केम नहीं आयो, एम के मैं भी तो काम की तू, बल्कि ते तो एम के कि आज ये तौन ना नाम आवेला छे ने ये तो देखाया भी नहीं, काम तो असल हमें बे कीधु ने हमें गाय कि हमारा ही नाम नहीं है उसके अंदर। अच्छा अगर सबके नाम आ गए तब भी लड़ाई किसमें, कि भाई फर्स्ट नाम किसका है, टॉप में नाम किसका होगा, तो कहते कि भाई नाम तो आया लेकिन मेरा नाम फर्स्ट क्यों नहीं आया, हूं तो चेयरमैन छू, मैं तो सदर हूं, मैं तो बड़ा हूं, तो मेरा नाम पहले आना चाहिए था, तो ये नाम की लड़ाई। और आज के दौर में बच्चा पैदा हुआ घर में खुशी का मौका, तो वहां भी नाम की लड़ाई, बीवी कुछ और नाम रखना चाहती और शोहर कुछ और नाम रखना चाहता है, नंद कुछ और नाम रखना चाहती है और उधर वाली फैमिली वाले कुछ और नाम रखना चाहते हैं, तो नाम में भी जो है वो लड़ाई है। कुर्बान जाइए शरीयत पर, हर एक में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया ताकि लड़ाई झगड़ा ही ना हो, लेकिन चूंकि हमें इल्म नहीं है इसलिए मालूम नहीं होता। दूसरा रस्मों रिवाज अब्दुल समद चचा इतने फैले हुए हैं हमारी सोसाइटी समाज और ख़ानदान के अंदर के हम दीन का असल मसला मालूम नहीं होता, असल हुक्म मालूम नहीं होता और रस्मों रिवाज का हम फॉलो करते रहते। बच्चा पैदा हो, देखिए मैं अपनी जेब से नहीं सुना रहा हूँ, हाँ अब ये नहीं समझे कि भाई मौलवी साहब भी मर्द है तो मर्दों के हक में फैसला दिया, ये मेरा फैसला नहीं है, हैं ये दीन का दीन की बात है। बच्चा पैदा हो तो अब्दुल हबीब भाई क्या फरमाया, नाम रखने का हक किसको है, बाप को है, किसको है, बाप को है, हाँ। और याद रखिए शरीयत के हर काम में हिकमत छुपी हुई होती है, बाप को दिया। अच्छा यहाँ याद रखे, अब यहाँ भी बास बाप जो हैं अजीब होते हैं कि जिसको कहना चाहिए कि पाप करते हैं बाप होकर, है अनिल भाई, हाँ वो भी एक साहिब ने कहा पाकिस्तान में वो बात करते रहते हैं कि दूसरी शादी करो तीसरी करो, है तो आप जान गए होंगे कौन बुरा है, तो वो उनके बयानात उस पर होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक आदमी ने दूसरा निकाह करना चाहा और बीवी से कह रहा है कि मैं दूसरा निकाह तो तुमसे करूं, मिठाई तुमको खिलानी पड़ेगी, ले भाई हैं, तो यानी इधर खर्च नहीं करना है। तो यहाँ भी नाम रखने का हक बाप को है, तो अकीके में पैसा खर्च करना भी बाप को है। अकीका जो होगा जिसको हम लोग हकीका बोलते हैं, है नजीब क्या बोलते हैं, हकीका, तो अ को ह से बदल दिया, जैसे हुरत ने आपने था हुरत के, हैं नौसारी ने के नवहारी नौहारी, तो ये बाप को है। बाप को कहा जाएगा कि अकीके में पैसा खर्च कर, और ये अकीका क्यों रखा, और इसीलिए अकीके में कहा कि खुद सारा गोश्त मत खा जाओ, खुद भी खाओ, दोस्त और रिश्तेदारों को भी दो, नंबर दो और नंबर तीन गरीबों को भी दो। अब बाज लोग कहते हैं कि मौलवी साहब यहाँ तो गरीब नहीं मिलते, अब आप ढूंढो अब यहाँ भी मिलते हैं, याद रखना यहाँ भी मिलते हैं। बल्कि आपको उससे अगली बात कहूँ, अब इस मुल्क में मुसलमान जकात लेने वाले भी आपको मिलेंगे, हमारे इलाके में भी मिलेंगे आपको कि आपकी जकात उसको पहुँच जाएगी। अब आपको इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है,
अब आपको यहां भी मिल जाएंगे ऐसे लोग, और बिलफर्ज अगर न मिले यहां गरीब, मान लो बिलफर्ज, तो मैं कहता हूं कि अकीका तो, और ये बात भी याद रखिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि लड़का पैदा हो तभी दो जानवर करने के, बकरा के दो बकरे, ऐसा नहीं, लड़की हो तब भी आप कर सकते हैं दो, लड़की में भी कर सकते हैं, शरीयत ने रोका नहीं है, लड़की में भी आप दो करो। और आज का दौर तो ऐसा है कि देखा यह गया कि जितनी लड़की काम आती है बुढ़ापे में माँ बाप को, उतने लड़के काम नहीं आते, सब जगह नहीं, उल्टा मामला भी होता है, है? हाँ, इसीलिए वो इंडिया के अंदर क्या यीशु भाई के रिक्शा के पीछे, टेम्पो के पीछे, ट्रक के पीछे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, शायरी भी अब्दुल कादरी चचा लिखी हुई होती है। तो जब मैं एक मरतबा इंडिया गया तो एक रिक्शे वाले ने पीछे लिख रखा था कि बेटा वाइफ तक और बेटी लाइफ तक, क्या लिखा था, बेटा वाइफ तक और बेटी लाइफ तक। हाँ, तो दो करो, तो मैं कहता हूं एक यहां करो और एक इंडिया में कर दो, एक इंडिया में कर दो, वहां रिश्तेदार भी खा लेंगे और गुराबा भी आपको मिल जाएंगे, तो गरीब भी खा लेंगे, आपको दुआ देंगे। यह खर्चा बाप को उठाना है, क्यों? जब बाप अकीका करेगा तो ये इस बात की गारंटी ले रहा है कि बीवी के पेट में जो हमल पल रहा था और ये बच्चा या बच्ची पैदा हुई है, ये किसी और का खून नहीं, मेरा खून। माँ के तो पेट में है, हैं? अब शोहर इल्जाम लगा दे तो कि तारा पेट में छे, ये तो मारू नहीं मरा, तारो तो कोई आते, हाँ सबन हु तो लफड़ू तू, आप वही मारू नहीं मरे, आ बेबी मारू नहीं मरे, बहुत आसान है मर्द के लिए इल्जाम लगा देना बीवी पर कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी और का है, बीवी क्या करे? चलो आज के दौर में तो अब उसका हल भी मौजूद है, क्या करा लो, ब्लड है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ डीएनए टेस्ट जो है वो करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, पहले दौर में, तो ये गारंटी लीजिए रही बाप पर इसलिए रखा कि बाप इस बात को मान रहा है कि ये जो बच्चा है मेरी बीवी ने जिसको जना है उसका बाप कोई और नहीं है। अजीब लोग हमारे यहाँ, बाज मरतबा भाभी अच्छी नहीं लगती नंद को, या बहू सास को अच्छी नहीं लगती, वो इंतजार में रहते हैं। देखिए अल्लाह तो सब जानता है, हाँ यहाँ अगर इधर उधर मामला चल भी गए, वहाँ चलने वाले नहीं है। क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो अपना टाइम भी आदत प्रॉब्लम है, पहले तो पूछवानू नहीं आवे, जो आए वहाँ जाकिर भाई, ठीक है जाकिर भाई तुमने को ना जेवा लागे, माँ जेवा लागे कि बाप जेवा लागे, हैं? तो क्या बापनी फैमिली पर गेलो कि मानी फैमिली पर गेलो, औरतें आएगी उसको पूछेंगे, अब बाज मतलब वो बनती नहीं। है क्या कह रहे थे कि अल्लाह जाने इनके नहीं, इनके माए जो दिखा तो नहीं, बाप जो दिखा रो अरे हर हमने दिखा रो से, है ये हो रहा है, जहन बिगाड़ते हैं। अल्लाह के घर में बैठा हूं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे पास ये किस्से इसी इलाके से आए, इसी इलाके से आए, यहां तक बात पहुंच गई। और दुश्मन, मैंने कहा ना इंतकाम से भरे हुए लोग हैं हम। अब देखिए हर मर्तबा तो माँ और बाप जैसा नहीं दिखता, कभी क्या होता है, माँ की जो फैमिली में पीछे आप चले जाइए तो बच्चा उस पर जाता है, नाना पर या नानी पर जाता है, और कभी बाप पे नहीं गया बल्कि किस पे जाता है, दादा पे के ऊपर जाता है, दादी के ऊपर जाता है, अच्छा कभी चचा पर जाता है। अब यहां दुश्मनी निकालने वालों को अच्छा मौका मिल जाता है, ठीक है बाप जो नहीं देखा चाचा जो के हम देखे, बस आटलू बोलवानो अगाड़ी हम जी जाए लोग, समझ रहे? हाँ, ये अलग टॉपिक है, इसका जवाब भी है, इसका जवाब भी हुजूर ने दिया है।
कि क्यों बच्चा माँ के जैसा नहीं दिखता, बाप के जैसा नहीं दिखता, इसका भी जवाब है, लेकिन अभी इसका मौका नहीं है। तो बहरहाल नाम के बारे में झगड़ा होता है, तो इसलिए ये कहा गया कि बाप अकीका करे, रकम बाप खर्च करे, ये इस बात का ऐलान है कि मर्द इस बात को तस्लीम कर रहा है कि जो बच्चा मेरी बीवी ने जना है वो किसी और का खून नहीं, उसकी निस्बत किसी और की जानिब नहीं, बल्कि ये मेरा बच्चा है। समझ आ रहा है? एक बात और याद रखो, बात निकली है नूरानी भाई, याद आई, शरीयत में मिनिमम भी है कि बच्चा निस्बत कब तक कही जाएगी, और मैक्सिमम की तो हद नहीं है, ज़्यादा भी रह सकता है। आम तौर पर औरत जब हमल से होती है तो बच्चा कितने महीने में बाहर आ जाता है? 9 महीने में, है ना? आम तौर पर 9 महीने में बाहर आ जाता है। लेकिन ये जो 4 बड़े अइम्मा है ना, उसमें दूसरे नंबर के इमाम का क्या नाम है? मुझे पता ही था कि मुझे जवाब जो है वो वाफी शाफी नहीं मिलेगा। आपको मैंने कई मर्तबा बताया, दूसरे नंबर की इमाम शाफी नहीं है, इमाम मालिक है। इमाम है मालिक है दूसरे नंबर के इमाम, इमाम शाफी नहीं, वो तीसरे नंबर पर है। इमाम मालिक अलैहिर रहमा के हालात में लिखा है कि वो अपनी माँ के पेट में 2 बरस रहे। कितना अरसा? 2 बरस रहे थे अपने माँ के पेट में, माँ के 2 बरस के बाद पैदा हुए। अब उस जमाने में तो ऐसे हालात थे नहीं, आजकल तो नहीं हुआ तो वो लोग क्या करते, ऑपरेशन से ले रहते सीजर्स, तो वो अपनी माँ के पेट में इतना अरसा जो है वो रहे थे। अच्छा, कम से कम शादी के बाद 6 महीने मियाँ बीवी को गुजरे और साथ रहे हैं, शादी के बाद रुखसती हो गई, साथ रहे हैं, अब बच्चा पैदा हो गया, शरीयत ये कहती है ये शोहर का बच्चा है। शादी के 6 महीने बाद अब हमारे यहाँ ऐसा हो तो ओ माँ खबर नहीं कहाँ मुड़ू कारू कराए ना लिया था हैं, आ तो आपड़ा गड़े पैड़ी एम के आपड़ा पोगरा ना गड़े पैड़ी, आ तो एम के आपड़ा तो भिरवाई गया। क्यों? इस सब दिन से ना वाकिफ है। 6 महीना है शरीयत तस्लीम करती है। और आज तो ऐसे हालात है, आपको मैंने बताया ऐसे हालात है, आप चेक कर सकते हैं। तो 6 महीने कम से कम शादी के बाद, तो वो बच्चा किसका कहा जाएगा? इल्ला ये कि अल्लाह ना करे कोई औरत वाकई में उसने ऐसा गलत काम किया, वो अलग बात है, कभी होता है ऐसा। ऐसा भी नहीं कि हर मरतबा मर्द ही की तरफ से कसूर होता है, कभी गाड़ी के दूसरे टायर में भी पंक्चर होता है, ऐसा भी जो है वो होता है। खैर बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चा पैदा हो अकीके का खर्चा कौन उठाएगा? बाप उठाएगा। और क्यों वो उठाएगा, उसकी मैंने वजह आपको बताई। और सब में क्यों ऐलान होगा? इसीलिए देखिए निकाह ये कहाँ गया। दूसरी बात याद आई, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिनु हादन निकाह वजअलूहू फिल मसाजिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हुज़ूर ने क्या फरमाया कि निकाह ऐलान के साथ करो, ऐलान करो निकाह का। मैं जब नांदेड़ पढ़ता था तो नांदेड़ के अंदर क्या होता था, देखिए इस्लाम में दफ बजाना जायज़ है। दफ क्या होता है पता है? वो जो ढोलक बोलते वो जिस पे हम वो पापड़ बनाते हैं, पापड़ की तरह होता है ना, तो उस तरह की वो चीज़ होती है, ढोलक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ डफली, हाँ ये डफली, जज़ाकअल्लाह, ये नाम है। उसमें क्या होता है इस्लाम में, जाए इधर देखो पीछे का हिस्सा क्या होगा? खुला होगा, बंद नहीं होगा। ढोलक में आप देखना कि दोनों तरफ से बंद होता है, ये जायज़ नहीं है। लेकिन जो डफली जिसको बोलते हैं, दफ जो होता है वो दूसरी तरफ से क्या होता है, वो खाली होता है, वो यूँ उसके ऊपर क्या करता है, वो बजाता है, तो ज़ोर से आवाज़ पैदा होती है, फिर वो ऐलान करता है। तो नांदेड़ में जब मैं पढ़ता था उस वक्त होता था, वो ऐलान करता था कि भाई इतने बजे फलाने के लड़के का फलानी मस्जिद के अंदर निकाह है, फलानी जगह पर निकाह है,
निकाह ऐलान के साथ करो तो वो ऐलान हो गया, कुर्बान जाइए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत पर कितना आसान है। बाज़ मरतबा आदमी जिस जगह रहता है तो फैमिली मेंबर नहीं होते, बस वो एक ही घराना है और कोई नहीं है। फैमिली हो तो सब आते हैं, फैमिली नहीं हो तो क्या होगा। तो इसलिए कहा कि नमाज के मस्जिद में निकाह कर लो। हुजूर ने क्या फरमाया, मस्जिद में निकाह करो और मस्जिद में भी नमाज के बाद करो, ताकि लोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे और लोगों में ऐलान हो जाएगा और लोग गवाह हो जाएंगे। लोग क्या हो जाएंगे, गवाह हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ हम इसके निकाह में मौजूद थे। ये भी इसीलिए कि औरत पर तोहमत न लगे और लोग ये न समझे कि ये बगैर निकाह के मिल रहे हैं, जिना कर रहे हैं। चुपचाप निकाह होगा। देखिए, अगर घर में दो चार आदमी को बुलाकर निकाह पढ़ लिया और आदमी वो लड़का जा रहा है और हमने देखा तो कोई जा रहा है तो आदमी वैसे ही देखता है, लेकिन पता नहीं है और किसी है, ऐसा होता है ना है सिद्दीक भाई, पहले यूं देखेगा अच्छा और फिर अलाओ जाकिर, सिद्दीक ने फोन करा है जाकिर ने, अरे जाकिर अल्लाह आज मैं तो हिलाना हाथे जता जो है उनके के खबर से कि निकाह पड़ा क्या मतलब इकट्ठा से है, ऐसे में होता है। हाँ वो ऐसा जो है वो होता है। इसलिए कहा कि ऐलान के साथ करो, निकाह ऐलान के साथ करो और मस्जिद में करो तो लोगों को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि इनका जो है वो निकाह हुआ। पता नहीं क्या क्या था। हाँ कि मर्द क्या करेगा, वो खर्चा उठाएगा मर्द, और नाम रखने का हक भी किसको है, बाप को है। अब देखिए हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, पहले तो ये प्रथा थी हमारी तरफ, पता नहीं अब है या नहीं है। पहली सुहावड़ आएगी 6 महीना पची, वाइफ ने कहा मुखिया भाई जा उनके के मान्यता मुखिया वे हैं, मैके जिसको बोलते हैं कि मैके में छोड़ के आओ ते मुखी ना आवे, इनो मीनिंग हो फारूक भाई के गजू ढीलू कोने करवानो, ससराबाजी है, ससराबाजी है गजू ढीलू करवानो। सारा खर्चा सुहावड़ का किसके लिए, अरे ऐसा होता है कि नहीं, खुद मेरे साथ हुआ है, मेरे वालिद मेरी माँ को भी रख के आए थे तो मेरी पैदाइश कपलेता की है। तो आम तौर पर आप देखना पहले बच्चे की पैदाइश फिर कहाँ होती है, मेरे वालिद का गांव लाजपुर है लेकिन मेरी पैदाइश कफलेता की है। क्यों, मैं घर में बड़ा हूँ और बाज़ मरतबा शोहर नहीं चाहता, लेकिन हमारी सोसाइटी खानदान मजबूर करता है कि नहीं आ तो थवुज जो एम के अपने ता जे प्रथा चालू आवेली, जे परंपरा चालू आवेली ते तो हूँ छे, ते तो थवुज जो, तो वो वहाँ छोड़ आते हैं। तो अब मेरा सर्टिफिकेट भी वहीं का बना हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट। तो हमारे यहाँ भी चंद साल पहले ड्यूजबरी में लाजपुर की AGM थी, तो हमारे एक शायर है इसी मुल्क में, मैं नाम नहीं ले रहा, एक जगह रहते हैं लाजपुर के, तो उसके बाद ऐलान हुआ कि फला फला नया प्रोजेक्ट है, सबको 50 पाउंड लाजपुर वालों को देने हैं। तो वो मेरे पड़ोस में थे, मैंने कहा मर साहब तुम्हारा माते छटकबाड़ी ना मौको छे 50 पाउंड थी। मैं कह केवी रीतना, देखिए तुम्हारा वारो आयो तो कहजो कि हूँ मारी ना तो कफलेटा में डटाई, कहाँ डटाई कफलेता ना है ना, वो नाल होती है ना, तो क्योंकि वो तो मैं तो लाजपुर का नहीं हूँ, मुझे तो जो है वो नहीं देना है। खैर बहरहाल, तो आप अगर भेजा भी है तो खर्चा खुद दो, औलाद तुम्हारी है। दूसरी बात कि पहला बच्चा पैदा होगा तो कि नाम तो फोई रखे, ऐसा ही होता है ना हमारी तरफ कि नाम का हक किसको दे दिया। अब ये मर्द क्यों अपना हक छोड़ रहा है, फिर इसमें झगड़ा होता है। वाइफ कहेगी कि तुम्हारी बहन जो नाम रख रही है वो मंजूर है और मैं कह रही हूं वो मंजूर नहीं है, तुम्हें बच्चा मैंने जाना है। अरे भाई तू ही रख। यही हाल होता है निकाह में। शरीयत ने वकालत सुपुर्द की है बाप को, बाप को चाहिए कि बेटी के निकाह में वो वकील बने, लेकिन हमारे यहाँ बाप नहीं बनता। और बहुत सी मर्तबा तो किसको जाकिर भाई बनाते हैं,
हाँ ये अब्दुल्ला भाई ने बात की, ये असल बात है। बड़े दामाद को बनाए, छोटी का निकाह है लड़की का तो नूरानी भाई किसको बनाएंगे? बड़े दामाद। बोले कमबख्त तो उसका तो हक ही नहीं बनता, ये दामाद का तो हक ही नहीं बनता, ये जो साली है ये महरम है उसके लिए, ए गैर महरम है, कम महरम है उसके लिए, तो गैर महरम है। और हमारे यहाँ उल्टी ही गंगा चलती है। अरे कि वो करूँ पड़े केम? तो कि भाई जमाए राजा नाराज थे जाए तो थया करे, अपन हूँ पड़ी नाराज था ये तो है। हाँ ख्वाजा अजीज़ुल हसन मस्जूब रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि जब तक तुम जमाने के हंसने से डरोगे जमाना तुम पर हंसता ही रहेगा, वो तो हंसता ही रहेगा। खैर बहरहाल तो बाप का हक है, इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं बेटी का निकाह हो खुद बाप को चाहिए वो वकील बने, बाप नहीं है भाई बनेगा, भाई नहीं है दादा बनेगा, दादा नहीं है चचा बनेगा। और हमारे यहाँ आमतौर पे दो बनते हैं, या तो दामाद बनता है या मामू बनते हैं, मामू का भी कोई राइट नहीं ये सब लोग मौजूद हो तो। इसलिए खुद वकील बनो, बेटी का निकाह हो तो खुद जो है वो वकील बनो। बहरहाल चले, जो मसला पूछा है वक्त नहीं है तो मैं उसको ज़रा बयान कर दूँ। मसला ये पूछा गया कुर्बानी का, इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट वीक कुछ बातें अर्ज करेंगे। अभी एक आलिम गुजरी ये बात समझने की है, ध्यान से सुनना ज़रा, आपको बहुत काम देगी इंशाल्लाह, इसीलिए मैंने सोचा मैं इसमें जवाब दूँ। यूसुफ भाई मेरे ऊपर उन्होंने जो व्हाट्सएप से भेजा तो वो लिंक भी भेजी है यूट्यूब की। अभी पाकिस्तान के अंदर एक बड़े आलिम दीन का इंतकाल हुआ, फारूक भाई जिनका नाम था हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहिब नवर अल्लाहु मरकदहु, कराची गुलशन इकबाल में हुआ करते थे। तो बड़े आलिम थे कोई शक नहीं, बड़े आलिम थे, अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया था, लेकिन तबीयत में तशद्दुद था। क्या था? तशद्दुद था तबीयत के अंदर। और ये जो बड़े उलमा होते हैं तो बाज़ मर्तबा उनके अपने तफर्रुदात होते हैं, तफर्रुदात लफ्ज़ याद रखना, तफर्रुद एक है तो तफर्रुद, कई हैं तो तफर्रुदात। इसका क्या माना आसान ज़ुबान में? जो जुम्हूर की राय है, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा हमारे बड़े हैं, हमारे इमाम हैं मसलक अहनाफ के, उनकी जो राय है वो नहीं लेंगे और बाज़ मसाइल में खुद अपनी राय दाखिल कर दें कि ये मेरी राय है। और उस पर फिर जम जाते हैं, उसको बयान करते रहते हैं बयान करते रहते हैं, और लोगों को गोया के यूं बावर कराना चाहते हैं कि तुम्हें इस पे अमल करना है। तो बड़े बड़े उलमा हुए हैं लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उनके तफर्रुदात को नहीं लिया है कि हम अपने इमाम के कौल को लेंगे, उनके तफर्रुदात को नहीं लेंगे, ये उनकी अपनी राय है। तफर्रुद यानी एवंनी पोतानी, एक अलग राय जो हमारे इमाम साहिब की राय है उससे हटकर, जो जुम्हूर की राय है उससे हटकर उनकी अपनी एक अलग राय, उसको तफर्रुद बोलते हैं। ठीक है कोई मजबूरी है माजूरी है किसी वजह से वो अमल करे वो करता रहे खुद, लेकिन वो लोगों को मजबूर नहीं करेगा, लोगों को दावत नहीं देगा उस पर अमल करने की। क्यों? उसकी वजह भी उलमा ने लिखी। मिसाल के तौर पर आप मेरे पास कोई मसला पूछने आए कि मौलवी साहब ये मसला किया है, गरचे आपने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा लेकिन आप मुझसे पूछना ये चाहते हैं कि इसमें हमारे जो इमाम हैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा की राय क्या है, यही आप पूछना चाहते हैं। अरे बोलो, आप जब भी पूछेंगे मुझसे या किसी आलिम दीन से तो चाहे आप ये जाकर थोड़ी पूछते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफा की राय क्या है, नहीं वो खाली आप मसला पूछते हैं। क्यों? मालूम है कि जिनसे हमने पूछा है इमाम साहिब से और जिस आलिम दीन से मुफ्ती साहिब से, तो अब ये उनका फ़र्ज है कि वो हज़रत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा की जो राय है वो बताए। वो आदमी तुमसे तुम्हारी राय पूछने नहीं आया, यही बात सही है ना? हम कुछ उस आलिम से उनकी राय पूछने थोड़ी गए, हम मुफ्ती साहिब से उनकी राय पूछने थोड़ी गए,
بلکہ قرآن و سنت میں غور و خوض کر کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو رائے قائم کی ہیں اور کس طرح قائم کی وہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتلایا, تو ہم وہ پوچھنے گئے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ بتائے. یہ لکھا ہے بڑے بڑے لوگ, آپ تو چونکہ پڑھے نہیں ہیں جامعہ میں دارالعلوم میں, اور پڑھے بھی ہوں گے تو شاید تھوڑا عرصہ اور عالمیت کے درجات نہیں پڑھے ہوں گے. بہت بڑا نام ہے شیخ ابن حمام علیہ الرحمہ, بہت بڑا نام. ان کی کتاب ہے فتح القدیر, تو صاحب فتح القدیر شیخ ابن حمام علیہ الرحمہ, علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ جیسا شخص کہ جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا, علم کا خزانہ, اتنا بڑا آدمی. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ ابن تیمیہ ان کو بھی اللہ نے بڑے علوم سے نوازا تھا, لیکن اس سے بھی فائق میں سمجھتا ہوں شیخ ابن حمام علیہ الرحمہ کو. اور آگے یہ فرمایا کہ جب میں یوں سر اٹھاتا ہوں اور درجہ دیکھتا ہوں شیخ ابن حمام علیہ الرحمہ کا علمی درجہ, تو فرمایا کہ وہ اتنے بلند ہے, اتنے اوپر ہے کہ میں دیکھنے جاتا ہوں تو میرے سر سے ٹوپی زمین پہ گر جاتی ہے. آدمی نے ٹوپی پہنی ہو اتنا دیکھے گا تو نہیں گرے گی, آپ یوں کریں گے تو کیا ہوگا, ٹوپی گر جائے گی نا. تو فرمایا اتنا اونچا درجہ ہے. لیکن ان کے خود شاگرد یہ لکھتے ہیں, گرچہ بڑے علوم سے نوازا تھا لیکن ہمارے شیخ ابن حمام کی رائے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے ہٹ کر ہے, ہم اس کو نہیں لیں گے, ہم نہیں لیں گے اس کو. کس پہ عمل کریں گے؟ ہاں, تہجد جماعت سے پڑھنا حضور سے بھی ثابت نہیں ہے, حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی نہیں ہے, مسلک احناف میں بھی نہیں ہے. یہ شروع کیا تھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے, اور اس کی خاص وجوہات ہے جس کو میں نے کتاب میں لکھا ہے, ابھی اس کا موقع نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی کیا ہے اویئر رہے, ہماری مسجد میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے امام کی رائے سے مسلک سے ہٹ کر ہو. لیکن ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, کیوں؟ کہ وہ تو فلاں دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں, وہ تو وہاں شیخ الحدیث ہے, وہ تو وہاں استاد الحدیث ہے. ارے کچھ بھی ہو, شیخ ابن حمام جیسا شخص ہیں. اور اس سے اگلی بات آپ کو بتاؤں, دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کے خلاف آج بھی کتابوں میں موجود ہے. آپ فتویٰ پوچھے, مسئلہ پوچھے دارالعلوم دیوبند سے, وہ منع کرے گا. اور نام لے کے مسئلہ پوچھا گیا, اس سے اگلی بات ان کے نواسے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم علیہ, ہماری مسجد میں کئی مرتبہ تشریف لائے, ان کے نانا ہوتے رشتے میں, انہوں نے ان کے علمی افادات جمع کیے ہیں. حاشیے میں یہ لکھا کہ میرے نانا جان تہجد با جماعت پڑھتے تھے, لیکن ہمارے مسلک میں تہجد با جماعت نہیں ہے, ہم نہیں پڑھیں گے. دارالعلوم کراچی پاکستان کا دارالعلوم دیوبند فتاوی عثمانی میں لمبا چوڑا فتویٰ ہے, اور پوچھا گیا تھا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا حسین احمد مدنی دیوبند میں رمضان مبارک میں تہجد جماعت سے پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے اپنے ہونہار سپوت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے فرمایا, آپ جواب لکھو. لمبا چوڑا جواب موجود ہے کہ حضرت کا علمی مقام اپنی جگہ, احترام اپنی جگہ, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے, امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کریں. سمجھ آ رہا ہے؟ میں اس مسجد میں رہوں نہ رہوں, آپ اپنے مسلک پہ جمے رہے. کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے, مروب نہیں ہونا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ آپ نے امام صاحب سے بات سنی ہے تو آپ مسجد امام صاحب سے ہیں فاروق بھائی, مسجد امام صاحب سے ہم کہیے دارالعلوم ماں جامعہ ماں حدیث
अरे भाई, इमाम साहिब ने आपको जो बात सुनाई थी वो हवाले और रेफरेंस के साथ सुनाई या वैसे ही सुनाई? और इन्होंने जो आपको बताया वो कैसे बताया? अच्छा, इसको तदाई कहते। और याद रखो, उलमाए किराम कोई अमल शुरू करेंगे, आप अवाम रोकने जाएंगे मुश्किल होगा, वो उलमा के ही हवाले करें। ये आप कह दे ये नहीं होगा, क्यों? उनके फिर तावीलात का जवाब आप नहीं दे सकेंगे। इसलिए जमे रहो अपने मसलक के ऊपर। कोई आए पहले शर्त करो, बड़े से बड़ा आदमी हमारी मस्जिद में आए उसे बता दो कि भाई हमारे मसलक से हटकर कोई चीज़ इस मस्जिद में नहीं होगी, ये शर्त रखो उसे। बहुत से आपको मिल जाएंगे दीन की बात बताने वाले, ये तो है नहीं कि दो चार आदमी। आप क्यों हटते हैं? आप क्यों नहीं जमते? सब बातें लिखी है किताबों में, और बताया गया उस मुफ्ती को कि वो अपना अपनी राय ना बताए, इमाम साहिब की क्या राय वो बताएगा। तो इसी तरह का ये मसला जो पूछा गया वो शव्वाल के 6 रोजों का, जिसको हम शश्शा ईद के रोजे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शश्शा ईद। तो शश ईद के रोजे के बारे में पूछा गया तो ये मुफ्ती ज़रवली खान साहिब नवरल्लाहु मरकदहू, उनके क्लिप बहुत घूमते हैं, इनके एक नहीं कई तफर्रुदात है, तो बड़ी सख्ती करते थे और कहते थे कि ये शव्वाल के 6 रोजे रखना बिदत है। कभी यूं फरमाते थे, और कभी फरमाते थे मकरूह है तहरीमी है। क्या फरमाते थे? मकरूह है तहरीमी। और बहुत बड़े आलिम, कोई शक नहीं। एक और उसूल याद रखो, हाँ एक और उसूल फुकहा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, कोई बात हदीस पाक में मौजूद है, हदीस पाक में कोई चीज़ आई है बयान हुई है, और फिक्र हमें हदीस के खिलाफ बात मौजूद है फिक्र ही कुतुब में, याद रखना ये बड़ी काम देगी ये बात आपको। ये जो खास लोग हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बारा या लाम, अरे बोल दो आप पूरा कर लो, हाँ वो तो मैं नहीं लेता, क्यों? अब बाज मतबा बतलाना होता है, नाम लेते हैं तो बाज़ों को उससे भी चीड़ होती है, तो मैंने कहा चलो यार हम तुम्हारा भी लिहाज रखते हैं, गरचे लोग देवबंदियों का वो लिहाज नहीं रखते, हम तो उनका रखते हैं, हैं? हाँ तो क्या है, ये लोग बास काम करते हैं ना, याद रखो ये भी वैसे ही नहीं करते बास। आपको कहेंगे देखो शामी में ये लिखा है, फलानी किताब में ये लिखा है फिक्र की, तो याद रखना ये उसूल, हदीस में एक बात आई और एक बात फिक्ही कुतुब में आई, हदीस कह रही है कि वो काम करो और फिक्र की किताब में लिखा है कि ना करो, नंबर एक। हदीस ये कह रही है कि मत करो, फिक्र की किताब में लिखा है कि करो, तो किसको लेंगे? जज़ाकुमुल्लाह। आप बोलेंगे तो अभी सही, लेकिन जब मौका आएगा फिर कुछ नहीं बोलते, पीछे बच्चा धर्म घूम ही जाए, हैं? हाँ सिद्दीक भाई सही है कि नहीं? फिर सब घर में घुस जाते हैं। ये उसूल बहुत काम देगा, याद रखो ये बड़े ये कब्र के ऊपर क्या करते हैं? अजान पढ़ते हैं। देखा है आपने, ये कब्र पर भी अजान पढ़ेंगे। दूसरा, कब्र के ऊपर फूल निछावर करेंगे, फूल डालेंगे। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी अब क्या करे, उन्होंने क्या था अभी अपने बेटे के। देखो एक बात याद रखो, दुनिया में आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। बाज लोग ये चाहते हैं कि हर जगह हमारी वाह वाह हो और हर आदमी हमसे खुश रहे। इन ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, नबी जैसी शख्सियत हर एक खुश था नहीं? अरे उससे आगे अल्लाह ताला से हर एक खुश है? अगर होते तो फिर अल्लाह का इनकार क्यों करते? ये दहरिये क्यों बनते हैं? नास्तिक क्यों बनते? वो खुश नहीं है, वो नहीं मानते अल्लाह को। हर एक से कोई खुश नहीं होता। अरे बाज अल्लाह को मानने वाले खुश नहीं होते। नौजवान बेटा इंतकाल कर जाए तो बाज मरतबा माएँ बोलती है, बाप तो कम बोलता है, कभी बाप भी बोलते ओहो हो अल्लाह ताला ने अमरुद लौटो देखा है, बोलते हैं कि ये अल्लाह से ना खुशी नहीं है तो क्या है? अरे अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनता, सबकी दुआ कबूल करता है, हमारी दुआ नहीं कबूल करता, ये क्या है?
ये नाखुशी नहीं है तो क्या है? दुनिया में हर एक खुश नहीं रख सकता, आप हर एक को खुश रख भी नहीं सकते। याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो जिंदगी में, आपसे आपका रब खुश होना चाहिए, चाहे दुनिया खुश ना हो, और दुनिया खुश होगी भी नहीं, याद रखना। और उलमा ने तो ये लिखा कि किसी जगह यूसुफ भाई कोई इमाम साहिब काम कर रहे हैं, कोई मौलाना साहिब काम कर रहे हैं, उससे सब खुश है, तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है इसमें। हाँ, ये लिखा है इस्माइल भाई कि ये गड़बड़ है, कुछ तो हमारे मोहसिनीन होने ही चाहिए, और वो होते ही है। ये अलामत होती है इस बात की कि ये बराबर कर रहा है, ये काम कर रहा है, क्योंकि हर बात से हर आदमी खुश नहीं होता, हर काम से हर आदमी खुश नहीं होता। तो ये लोग डालते हैं कब्रों पर फूल। आप कहेंगे भाई कब्रों पर फूल डालना कहाँ साबित है, तो ये लोग आपको कहेंगे कि देखो फिकह की किताब में लिखा है, और ये वाकईतन लिखा है, वाकईतन लिखा है फिकह की कुतुब में, और बड़ी ऊपर की जो कुतुब समझी जाती है उसमें लिखा है कि कब्र पर फूल डाल सकते हैं, लेकिन हदीस उसके खिलाफ कह रही है। अब आप किसको लेंगे? हदीस को लेंगे ना, हदीस को लेना, वहां वो आपको धोखा देंगे, भाई हदीस में इसकी मुआनात है। अच्छा, एक बात और याद रखो, अब हमारे यहां लोगों को शौक है कब्र पर दरख्त उगाने का, दरख्त उगाने का, कि दरख्त कब्र के ऊपर लगाते। अब इंडिया में जाओ, बाडोली, लाजपुर है, बलेश्वर, मलेकपुर, तो हर जगह कब्र में आप कब्रिस्तान में क्या नजर आएंगे, दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे, है ना। अब यहाँ भी जो है वो शुरू हुआ है, और दलील क्या देते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्या लगाई थी, टहनी जो है वो लगा दी थी। अरे वो तो हुजूर को बता दिया गया था कि दोनों कब्र वाले को क्या हो रहा है, अजाब हो रहा है। तो क्या हमें पता है, या हम यूं कहना चाहते कि इनको अजाब हो रहा है तो जब तक ये रहेगा तो? तो इसलिए ये भी कोई शरीयत में पसंदीदा नहीं है। ठीक है, अब लोगों ने लगा लिए है, सो है, तो हदीस में जो आया उसको हम मानेंगे, फिकह की कुतुब में नहीं मानेंगे। दूसरी मिसाल ले लो, अब मैं गुफ्तगू ख़त्म करने जा रहा, शव्वाल के 6 रोज़े, मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में रिवायत मौजूद है, तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है। 4 किताबों के मैंने हवाले दिए आपको, और चारों किसकी कुतुब है, हदीस पाक। और मुस्लिम शरीफ की सही रिवायत है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सौम रमज़ान सुम्म अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियाम दहर औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मफहूम यह है कि जिसने रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रखे, 29 भी हुए तो सवाब तो 30 का मिलने वाला है, और उसके बाद शव्वाल में ईद उल फितर का दिन छोड़कर, उस दिन तो हराम है, 6 रोज़े रखे, चाहे एक साथ रखे चाहे अलग अलग रखे। अब देखिए, एक साथ रखना इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक मकरू है, तो इसलिए कोशिश करो कि हर एक के नज़दीक सही हो, तो दरमियान में ज़रा 1-2 दिन गैप कर दो, एक साथ मत रख लो, ज़रा 1-2 दिन गैप कर दो, साथ में भी रख लिए तो हो जाएगा। लेकिन पे दर पे उनके यहाँ मकरू है, इमाम मालिक के यहाँ भी मकरू है पे दर पे रखना। क्यों? वो ये कहते हैं कि फिर लोग इसको लाजिम समझ लेंगे, अभी तो रमज़ान गुजरा और कंटिन्यू रखे, एक दिन छोड़ा फिर कंटिन्यू, तो ये होते 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 बात आगे क्या हो जाएगी, लोग इसको कंपलसरी समझने लगेंगे, इसलिए दरमियान में क्या कर दो, गैप जो है वो कर दो। अब ये कहते थे मकरूह है, मकरूह है, मकरूह है। अरे भाई, चाहे फिकह की कुतुब में लिखा हो, अब वक्त नहीं है इसकी तफसील का, लेकिन मैंने आपको हदीस पाक बता दी कि 4 हदीस की कुतुब में, और सही हदीस है कि जिसने ये 6 रोज़े रखे तो पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। कैसे? एक नेकी का अल्लाह के यहाँ 10, 30 रोज़े के कितने मिल गए, 300 दिन, और इस्लामी साल 360 कहते हैं कम होता है, तो 6 को 10 में ज़रब दो, कितने हो गए, 60, 360 हो गया ना, तो साल भर रोज़ा रखने का सवाब मिल गया। इसलिए ज़रवली खान साहिब की बात छोड़ो, आप हदीस पे अमल करो, और याद रखो कोई बात हदीस में हो और फिकह की कुतुब हदीस में ना हो, फिकह की कुतुब में हो, तो किस पे अमल करना है, हदीस पाक पे अमल करना है। दूसरी बात, आपसे मैं ज़रा इकरार करा लूँ ना कि बड़े से बड़ा आलिम कर रहा हो, लेकिन अहनाफ के यहाँ वो नहीं है, वो मसलक नहीं है, तो आप उनके पीछे खड़े होंगे या
अपने इमाम के साथ खड़े होंगे, जुमला मैंने ऐसा बोला अपने इमाम, तो दोनों आ जाएंगे हैं किसके साथ खड़े होंगे? देखा अभी से आवाज दब गई। हाँ, इसलिए इस पे जमे जो है वो रहो, अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया अमल की तौफीक दे। रखो शौक से, रखो शव्वाल के रोज़।